हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैं बोमदिला पे कैसे रहता हूँ एंड व्हाट आई डू फॉर लिविंग अदर देन स्टडिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम द व्यू ऑफ बोमदिला फ्रॉम न्यू बोमदिला। सो दिस इज हाउ बोमदिला लुक्स फ्रॉम न्यू बोमदिला। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा मेरा वाइन शॉप, जो कि मेरे बिना मेरा फ्रेंड वो इसका देखभाल कर रहा है। तो मेरे दोस्त को भी आप लोग से मिलाता हूँ। क्या कर रहा है? वाह, अच्छा, ये सब गर्म करने के लिए है, फार्मेसी का दवा। ओह माय गॉड, ठीक ठीक, ये सीसीटीवी भी लगाया है। वाह, ये सब लेडीज का दवाई है। अच्छा, ये लेडीज का दवाई है। तो आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस बहुत ठंडा है। इन्वर्टर रखा है ना? क्यों हीटर क्यों नहीं रखा? इतना ठंडा है, लाइट नहीं है ना? क्यों? अच्छा, और बैक साइड आपका स्टोर होगा? इलेक्शन आ रहा है तो। अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ही इज माय फ्रेंड फ्रॉम बिहार। बिहार का तो कहता है, लेकिन ये बोर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हुआ, बड़ा यहीं हुआ, और इसके पापा यहाँ पे जॉब करता था पहले, अभी रिटायर होकर चला गया, तो ये तो यहाँ रह गया। इसका भाई लोग दिल्ली वेली में इंजीनियर है, मारुति कंपनी में है ना, मारुति कंपनी में। तो ये यहीं पे बैठ गया, यहीं पे शादी होकर बैठ गया। ये जो वाइन शॉप है, अभी कितना साल हो गया? 10 साल कुछ हो गया। तो हम लोग कॉलेज जस्ट ख़त्म करते ही हम लोग ऐसे कुछ में, हम लोग कॉलेज कर रहा था या फिर ऐसे उसमें से कुछ समय हम लोग बनाया था साथ में ना। तो अभी हम लोग करके 10 साल हो गया, तो 10 ईयर्स के बाद ये हाल है। तो ये मेरा फ्रेंड है प्लस पार्टनर है। मैं फ्रेंड बोलना चाहूँगा, कुछ बोलना है क्या? बोलेगा, ठीक है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तभी मुझे कॉल आ जाता है कि मुझे बच्चों को पिकअप करना है, क्योंकि उनका छुट्टी हो गया था। तो मैं उनको पिकअप करने चला जाता हूँ। तो बच्चों को पिकअप करने के बाद हम प्लान कर लेते हैं कि हम डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे, आज थोड़ा घूम फिर के जाएंगे। तो हम चलते हैं गोम्पा की, और उसके बाद मैं आप लोगों में अपना अनदर सोर्स ऑफ इनकम के तरफ भी जरूर ले जाऊंगा। इसी तरह राइम सुनते सुनते हम पहुंच जाते हैं अपर गोम्पा, जो कि तीजे रिम्पोछे ने बनाया है। ये तीजे रिम्पोछे हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो हम गोम्पा पे पहुंचने के साथ ही हमारे बच्चे वो प्रेयर व्हील्स को घुमाने शुरू हो जाते हैं। वैसे जो भी यहाँ आता है वो यूजुअली प्रेयर व्हील्स को घुमाता ही है, क्योंकि इस व्हील पे प्रेयर लिखा होता है, और ये इसे क्लॉकवाइज घुमाने से कहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये रहा बड़ा वाला प्रेयर व्हील, जिसे हमारे छोटे बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि उसे अच्छी तरीके से घुमाएं।
तो मोनेस्ट्री दिखाने से पहले मैं सोच रहा था आप लोगों को ये दिखाऊं। ये रहा हॉस्टल। इस जगह पे छोटे छोटे मॉन्क्स जो होस्ट यहाँ पे रहते हैं, ये उनका एक छोटा सा हॉस्टल है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मॉन्क लाल लाल कपड़े पहन के दौड़ रहे हैं। और जो ऊपर पे बड़े बड़े घर देख रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी मॉन्क्स वहीं पे भी रहते हैं। और इस मोनेस्ट्री पे आप अगर रहना चाहते हैं तो यहाँ पे होटल और होम स्टे की सुविधा भी दिया जाता है, जो कि आप ऑनलाइन भी बुकिंग करके आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। एंड दिस मोनेस्ट्री इज़ बिल्ट इन द नेम ऑफ तीजे रिम्पोछे, बट राइट नाउ ही इज़ नो मोर, बट अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट बिलीव ही विल टेक बर्थ अगेन। So here is some drone shot of Upper Gompa. If we see from here, let me try to focus there. That's the statue of Lord Buddha again. That's in a different part of, not different, another mountain, different part of, another part of mountain. So in my hometown, we have lots of Buddhist structure, and down there also is a monastery, small monastery. We have lots of monastery here, and monastery and Buddhist statue, because the population. The majority population in my hometown is Buddhist. I think the main reason behind the most population of Buddhism in our place is because the 6th Dalai Lama was born in our place. And moreover, the 14th Dalai Lama also came to India through our way. Like he crossed West Kaming and Tawang to come India, yeah. Why? When China was invading Tibet, and we are more close to Tibet, Bhutan, so that's why we have the influence of Buddhism here. And also, in the past, there were so many kings and queens who got married to our people, and then from here also, so many king and queen that took. Marriage with the king and queen of Bhutan and also Tibet. And this is one kind of a door you will see in Chinese movie, but according to source or according to history, Chinese are the people who adopt culture from other people. They don't have their own culture. In reality, the culture they follow, the religion they follow, the maximum they have adopted from Tibetan, and yeah, from Tibetan. So according to the history, if we go, Chinese are the people who has adopted everything from. But when we see now all those things, we think that these are Chinese architect, but no, these are Buddhist architect. And he's Tije Rinpoche. This monastery was built in his name. तो इसके साथ हमारा अपर गोम्पा घूमना ख़त्म हुआ। अब हम चलेंगे नीचे फिर अपने घर की ओर। तो हम जब बाहर निकले तो हमने देखा कुछ मॉन्क क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसी से पता लग जाता है कि हमारे इंडिया में क्रिकेट का कितना इन्फ्लुएंस है। तो थोड़ी देर नीचे आने के बाद हम पहुंच जाते हैं द बोमदिला जनरल फील्ड। इस फील्ड पे हमने भी काफ़ी फुटबॉल खेले हैं, काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। और ये है हमारे यहाँ की फिर अनदर गोम्पा, इसे कहते हैं लोअर गोम्पा।
एक्चुअली नाम कोई और होता होगा पर हम यहाँ पे ज़्यादातर यही सही कहते हैं, लोअर गंपा अपर गंपा। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे जगह के कॉलेज जो कि दूसरे पहाड़ पे है, वो ग्रीन कलर का है, वो हमारे यहाँ के कॉलेज है। और बाकी जो आसपास घर है वो कॉलेज के पढ़ाने वाले टीचरों के क्वार्टर्स है और हॉस्टल है। और हमारे नीचे ही एक स्तूपा फिर है। तो हमारे यहाँ आपको काफ़ी बुद्धिस्ट के मोनूमेंट्स मिल जाएंगे। तो अपर गुम्पा देखने के बाद हम चल देते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि समय भी हो रहा था और हमें छोटी वाली बेटी को घर पहुंचाना था। और मेरे पास घर जाने के दो रास्ते थे, एक नीचे से और एक ऊपर से। तो मैंने प्रेफर किया ऊपर से जो बाज़ार होके जाता है, ताकि मैं आप लोगों को हमारा बोमदिला का बाज़ार भी दिखा सकूं। तो हमारा बोमदिला का बाज़ार कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ बड़ा तो नहीं है पर एक छोटे शहर के लिए काफ़ी है। हमारे पिताजी के बताने के अनुसार इस एरिया पे जब 62 वार हुआ था तो काफ़ी डेड बॉडीज यहीं पे ही ऐसा ही पड़ा हुआ रहता था और कुत्ते लोग आके खा लेते थे उन्हें। पर आज देखो ये कितना डेवलप हो गया है। तो छोटी बेटी को घर पहुंचाने के बाद मैं आ जाता हूं अपने दूसरे ऑफिस पे। तो ये रहा मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो मेरे साथ छोटा बेटा तो अभी भी है, क्योंकि इसका घर फिर अलग जगह है, तो इसे मैं फिर उसको अपने घर पहुंचाना होगा इसके बाद। आपका नाम क्या है? अरे बता दो। अरे बोलो ना। अनंत कुमार, अनंत बिस्ट, ये उत्तराखंड का आदमी है, उत्तराखंड से अरुणाचल आया है काम करने के लिए। देखो उसका पिताजी लोग पहले पुलिस में था, वो लोग रिटायर होकर चला गया, ये लोग जान नहीं जाएगा बोलता, अरुणाचल पसंद आ गया। तो बिजनेस कैसे चल रहा है? सुपर फाइन, ओके ना, अर्निंग अच्छा है ना आपका? ये तो जीत बोलते कोई बात नहीं। तो ये एक्चुअली आपका क्या सर्विस क्या है? ये कस्टमर को हम सेवा देते हैं, सी एस पी है ना ये ना, एस बी आई का। यहाँ में गवर्नमेंट का सब करता है ना, स्टेट बैंक का जो जो काम है सब करता है। ठीक है। तो ये भी मेरा फ्रेंड है आनंद बिस्ट। तो हम दोनों ये बिजनेस शुरू करके कितना साल हो गया भाई? थ्री इयर्स हो गया। तो हम तो फिलहाल यहाँ नहीं है, हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे संभालते हैं, हम तो सिर्फ महीना महीना में पैसा भेज देते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्त, संभालते हैं और आगे भी संभालते रहो ना, जब तक हम नहीं आएगा इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सब इसका ऊपर जिम्मेदारी। तो आप लोग भी बोमदिला में कोई बैंकिंग का प्रॉब्लम होने से यहाँ आ सकते, ये कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है, तो आना जरूर। सो इसी के साथ मैं लॉग आउट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे फिट। टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।